रोहित बेटा, तू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना। तुझे सूट बूट पहना हुआ एक अफसर बनते देखना मेरा सपना है। जी माँ, मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूँगा और आपका सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, रोहित पढ़ाई में इतना अच्छा है, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मगर भाई की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। 15 साल का रोहित बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो अपनी माँ सपना और बड़े भाई बिमल के साथ रहता था। वो तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। बड़ा बेटा शादी लायक होने पर सपना खुद पसंद करके पास के गांव के रेणुका को विमल की पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आती है। देखो बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सबको प्यार से बांध कर रखना, और रोहित हमारा बड़ा लाडला है, उसे अपना छोटा भाई जैसा प्यार देना। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीता। रेणुका रोहित से भी बहुत प्यार से पेश आया करती थी, लेकिन उन लोगों की ये खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिका। विमल की शादी के 1.5 महीने बाद एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से सपना की मौत हो गई। भैया, माँ मुझे अफसर बनते देखने से पहले क्यों चली गई? मत रो रोहित, माँ जहाँ भी रहेंगी उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। सपना के गुजरते ही हालात एकदम बदल जाता है और रेणुका अपने असली रूप में आ जाती है। भाभी, कुछ दिन बाद फाइनल परीक्षा है, इसलिए स्कूल की फीस जमा करना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे फीस का पैसा दे दीजिए ना। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, जो तोड़ू और तुम्हें दे दूं? तुम्हारे भैया बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। पहले ही तुम्हारे पढ़ाई के पीछे बहुत पैसा खर्च हुआ है, अब और पैसा मैं बर्बाद नहीं कर सकती। आखिर हमारा भी कोई भविष्य है, इसलिए आगे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। पर भाभी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? मुझे तो अभी बहुत आगे तक पढ़ना है। माँ भी यही चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। आप मुझे पढ़ने दो ना भाभी। मैंने कहा ना कि आगे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी घर में बहुत सारे काम होते हैं, उनमें मेरा हाथ बटाओ। और हाँ, अपने भैया से इस बारे में कुछ भी बोला ना, तो मुझसे बूढ़ा कोई नहीं होगा। ये सब सुनकर रोहित बहुत उदास हो जाता है और किताबें रख कर घर के कामों में भाभी का हाथ बटाने लग जाता है। लेकिन वो अपना पढ़ाई नहीं रोकता। घर का काम करने के बाद रात को चुप चुप कर पढ़ाई करता रहता है। मगर एक दिन उसे ऐसे चोरी छुपे पढ़ते हुए उसकी भाभी देख लेती है। ये क्या, मैंने इसे पढ़ने के लिए मना किया था, फिर भी ये मुझसे छुप कर पढ़ाई कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका सारा किताब फाड़ कर चूल्हे में डाल देती हूँ, फिर देखती हूँ ये कैसे पढ़ाई करता है। अगले दिन, रोहित भैया जरा बाजार से थोड़ा टमाटर लेकर आना, घर में टमाटर खत्म हो गया है, जल्दी जाओ ना भैया। ठीक है भाभी, ले आता हूँ। रोहित के निकलते ही रेणुका रोहित का सब किताब फाड़ कर चूल्हे में डाल देती है। कुछ देर बाद रोहित लौट कर आता है और अपना सारा किताब ऐसे जलते हुए देख वो चौंक जाता है। ये क्या हुआ, मेरी सारी किताबें आपने चूल्हे में क्यों डाल दी? अरे, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ रही थी, तो सोचा कि ये सब किताब तो अब तुम्हारे किसी काम का नहीं, इसलिए इसे जला दिया। ये सब देखकर रोहित बहुत उदास हो जाता है और घर से निकलकर गांव के बाहर वाले नदी के किनारे आ जाता है और वहीं बैठकर रोते हुए कहता है, माँ जब से मुझे छोड़कर गई है तब से सब कुछ बुरा ही हो रहा है। अब मेरे पास किताबें भी नहीं हैं और ना ही मेरे पास पैसा है कि मैं अपनी किताबें खरीद सकूं। अब मैं क्या करूंगा? रोहित जब उदास मन से नदी के किनारे बैठा था,
तब उसकी नज़र एक मछली पर गई। वो मछली किसी तरह पानी से बाहर निकल आई थी और वो तड़प रही थी। अरे, ये मछली यहाँ बाहर कैसे आ गई और कैसे तड़प रही है, जैसे मैं आज तड़प रहा हूँ। मैं इसे नदी में वापस डाल देता हूँ। रोहित मछली को पानी में छोड़ते ही मछली तैरकर पानी के अंदर चली जाती है। रोहित भी नदी की तरफ देखता रहता है। कुछ ही क्षण में वो मछली वापस पानी के ऊपर आ जाती है और इंसान की भाषा में कहती है, मेरी जान बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है, ये मछली बात कैसे कर पा रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम कौन हो? मैं एक जादुई मछली हूँ, लेकिन मेरी जादू सिर्फ पानी के अंदर ही काम करता है। इसलिए जब मैं किनारे में फंस गई थी तब कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन किनारे में फंसे हुए मैं तुम्हारी सब बात सुन रही थी। तुम बहुत दुखी हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। मेरा नाम रोहित है, मैं यही पास के गांव में रहता हूँ। तब रोहित सब घटना उस मछली को बताता है। सब सुनकर मछली ने कहा, तुम्हारा सब बात सुनकर तो लगता है कि तुम्हारी भाभी को पैसों से बड़ा प्यार है। एक काम करो। ये कहकर वो मछली रोहित के सामने जादू से पैसा लेकर आती है। ये कुछ पैसे रखो, इससे तुम अपना स्कूल की फीस जमा करना और सब किताब भी खरीद लेना। फिर बचे हुए पैसे अपनी भाभी को दे देना, इससे वो भी खुश हो जाएगी और तुम्हें पढ़ने देगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। ठीक है मछली दोस्त। अगर तुम्हें आगे पैसों की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित पैसा लेकर परीक्षा का फीस जमा करता है और नए किताब भी ले लेता है। घर पहुंचने के बाद रेणुका उसके हाथ में नए किताब देखकर गुस्से में कहती है, अरे रोहित, इतनी देर तक तुम कहाँ थे और तुम्हारे हाथ में ये किताबें कहाँ से आई? वो भाभी, मैं अब तक मेरे एक दोस्त के घर में था और ये किताब मैं अभी ही खरीद के लाया हूँ। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मेरे दोस्त ने दिया है, उसने मुझे बहुत सारा पैसा दिया था, उनमें से कुछ पैसा बच गया है, वो आप रख लीजिए भाभी। पैसा देखकर रेणुका खुश हो जाती है और रोहित को और कुछ पूछे बगैर वो पैसा लेकर वहाँ से चली जाती है। रोहित भी तब से अपनी पढ़ाई निश्चिंत होकर करने लगा। उस दिन से रोहित को जो भी चाहिए होता था वो जाकर उस मछली से कहता था और वो मछली उसकी सब इच्छा पूरा किया करती थी। अब रोहित बहुत खुश रहने लगा। ये सब कुछ रेणुका को भी नजर आ रहा था। कोई तो है जो छुप छुप कर रोहित की मदद कर रहा है। अब तो रोहित हमसे कुछ मांगता भी नहीं, फिर उसके पास जरूरत का सामान कैसे आ रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा। तब रेणुका सब बताने अपनी माँ के पास जाती है। माँ, अब तुम्हें ही पता लगाना होगा कि बात क्या है। ठीक है बेटी, एक काम करते हैं, कल से कुछ दिन मैं रोहित का पीछा करती हूँ, देखते हैं वो कहाँ जाता है। कुछ दिनों तक रेणुका की माँ रोहित का पीछा करने के बाद एक दिन मछली को रोहित से बात करते हुए और उसको पैसे देते हुए देख लेती है। रे, ये मछली तो इंसान की तरह बात कर रही है और वो रोहित को ढेर सारा पैसा भी दिया है, तो ये पैसा देने वाला जादुई मछली है, मुझे बेटी को सब बताना होगा। तब रेणुका की माँ रेणुका को सब बताती है। माँ, अगर हम उस मछली को पकड़कर अपने पास रखे तो जब चाहे उससे ढेर सारा पैसा ले सकते हैं और तब रोहित की मदद करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये सोचकर अगले दिन रेणुका और उसकी माँ एक जाल लेकर नदी के किनारे जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद रेणुका की माँ को वो जादुई मछली नजर आता है। वो देख बेटी,
वही है जादुई मछली। रेणुका जाल मछली की तरफ फेंकी, मछली जाल में अटक गई। किसने मुझे जाल में फंसाया? कौन हो तुम लोग? मुझे पैसा चाहिए, तुम हमें पैसा दो। तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्यों दूँ तुम्हें पैसे? क्योंकि तुम रोहित को भी पैसा देती हो। उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने दिया, पर मैं तुम लोगों को नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? रोहित को पैसा दे सकती हो तो उसकी भाभी को क्यों नहीं? हम लोगों को भी तो पैसा चाहिए। ये बात सुनकर मछली को गुस्सा आता है। वो इन दोनों को अपने जादू से केकरा बना देती है और दोनों नदी के किनारे खड़े रोने लगती है। तभी वहाँ पर रोहित आ जाता है और रोने की आवाज सुनकर कहता है, अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? रोहित, ये मैं हूँ, तुम्हारी भाभी। भाभी, आप ऐसे कैसे बन गए? हम लालच में आकर इस मछली को बंदी बनाने गए थे, इसने उल्टा हमें ही केकड़ा बना दिया। सब सुनकर रोहित ने मछली से कहा, दोस्त ये जैसी भी है मेरी भाभी है, और भाभी माँ जैसी ही होती है ना, तुम इन्हें माफ कर दो। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है और तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगी। मछली जादू से दोनों को फिर से इंसान बना देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मछली, और रोहित भैया मुझे माफ कर दो। उसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं। रेणुका भी रोहित को अब अपना भाई जैसा ही प्यार करने लगी।